स्टूडेंट्स, मैं प्यारे दोस्तों दोस्तों इससे पहले की वीडियो में मैंने विटामिन कुछ बताया था, इसमें आगे मैं बता रहा हूँ। तो विटामिन के बारे में बता दिया था कि विटामिन में किसी वगैरह एनर्जी नहीं मिलता है और ये बहुत ही कम मात्रा में शरीर को जरूरत पड़ता है। ये उत्प्रेरक का काम करता है, यानी कि शरीर के जो अंग सब कार्य कर रहे हैं उसको सुचारू रूप से संचालन के लिए उसको उत्प्रेरित करने का काम करता है। जिस वक्त हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं जो काम नहीं करते हैं पर उत्प्रेरित करने का काम करते हैं, यानी कि वो रहते हैं तो हम लोग काम प्रॉपर ढंग से और सर समय करते रहते हैं, उसी प्रकार से विटामिन भी हमारे शरीर के लिए बड़े बुजुर्ग की तरह है। यानी कि हमारे शरीर का जितना भी अंग है उसको प्रॉपर ढंग से काम करवाने के लिए, संचालन के लिए विटामिन जरूरत पड़ता है। ये विटामिन बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ता है, ठीक है। और ये विटामिन आपको हरी सब्जियाँ फल फूल में पाए जाते हैं, ठीक है। अंडे में भी विटामिन पाए जाते हैं, दूध में पाए जाते हैं, और कुछ विटामिन का निर्माण हमारे शरीर के अंदर भी होता है, जैसे विटामिन B12 का निर्माण हमारे शरीर के अंदर होता है और इसको निर्माण करता है आपको, मतलब विटामिन B12 में कोबाल्ट मुख्यतः पाया जाता है। तो ये कुछ बातें थी, मैं ये भी बताया था कि विटामिन दो तरह का होता है बांटने के लिए इसको, तो एक जो जल में घुल जाएगा, दूसरा जो वसा में घुल जाएगा, फैट में घुल जाएगा। फैट क्या है मैंने पहले बता दिया हूँ, ठीक है। फैट में घुल जाने का इसका भी ट्रिक होता है, लेकिन आपको हल्का फुल्का जानना है, उतना ट्रिक पर नहीं जाना है। KED करके जो है ये आपको फैट में घुल जाता है, ठीक है। और बाकी जो बच गया BOC, ये जल में घुल जाता है, ठीक है। तो ये रहा विटामिन, जिसको मैं कुछ बता देता हूँ कि कौन ज़्यादा किस फल में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें शुरू से स्टार्ट करता हूँ, जैसे मैं विटामिन ए की बात करता हूँ, विटामिन ए, ठीक है। और ऐसे मैं कुछ डाउनलोड भी करके रखा हूँ, सो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि इसका जो आविष्कार कौन किया था, क्या बोलते उसको, चार्ज भी कम है, आविष्कार कौन किया था विटामिन का, रुक जाइए 2 मिनट, मैं स्लाइड निकालता हूँ। मैंने अभी डाउनलोड किया था, हाँ चलिए आपको बढ़िया से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं पढ़ते रहा हूँ तो ऐसे पूछा नहीं जाएगा, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि विटामिन की खोज 2 वैज्ञानिक मिलकर किए हुए थे, ल्यूनिन और हॉपकिंस। मैं दूसरे पास दूसरा फोटो भी है, यही समझिए। विटामिन की खोज तो है ल्यूनिन ने किए थे और हॉपकिंस ने भी मिलकर किए थे, ठीक है। विटामिन नाम जो है फंक ने दिए हुए हैं, विटामिन नाम आपको फंक दिए हुए हैं। विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है, विटामिन का अध्ययन विटामिनोलॉजी, यानी कि साइंस का ब्रांच हो गया विटामिनोलॉजी, यानी कि विटामिनोलॉजी में हम लोग विटामिन का अध्ययन करेंगे, कौन कौन से विटामिन होता है, क्या मिलता है, कौन किस पोषक तत्व में विटामिन रहता है, ठीक है। और विटामिन के बारे में देखिए कहा जा रहा है कि विटामिन लघु मात्रा में आए, 1:30 बजे लो, लघु पोषक तत्व का मतलब है बहुत कम मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और ये आपको जैविक नियंत्रण का काम करते हैं और उपापचयक नियंत्रण काम करते हैं। यानी कि विटामिन आपको शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है उसको नियंत्रण करने का काम करता है, यानी कि उसका संचालन करने का कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो कम करेगा, कम हो रहा है तो ज़्यादा करेगा, एक नियंत्रित रूप से करेगा। यानी कि आपको जैविक नियंत्रण और उपापचय नियंत्रण, उपापचय आप समझते होंगे जिसमें तोड़ फोड़ की क्रिया होता है, जैसे भोजन खाते हैं तो वो टूटता है फिर जुड़ता है इस टाइप से, तो विटामिन ये सब काम करते हैं। और भी विटामिन हमें पढ़ते हैं, विटामिन एक लैटिन भाषा का शब्द है, विटामिन ऐसे तोड़ेंगे तो ये बीटा जो एमिन में टूटेगा, ठीक है। विटामिन को तोड़ना चाहे तो बीटा जोर, कैसे लिखा रहा है, पानी गिर गया, कोई बात नहीं, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। जैसे विटामिन है,
लाइन आ गया, ले गया था। तो विटामिन के बारे में आपको लिख देता हूँ मैं। विटामिन बीटा जो एमिन से बना हुआ है, बीटा का मतलब होता है लाइफ और एमिन का मतलब होता है जी, एमिन का मतलब होता है आवश्यक, जीवन के लिए आवश्यक। तो विटामिन जो है ये जीवन के लिए आवश्यक है, एक कार्बनिक पदार्थ है, मैंने आपको बताया था। और ये आपको आपके शरीर के सारी जैव क्रिया उपापचय क्रिया को नियंत्रित करता है। इनके शरीर में थोड़ी सी भी थोड़ी सी मात्रा जरूरत पड़ता है, लेकिन थोड़ी सी मात्रा भी नहीं होने पे बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, ठीक है। और सबसे पहले विटामिन सी की खोज किया गया था, यानी कि सबसे पहले विटामिन सी खोज किया गया था। विटामिन सी क्या है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मतलब विटामिन के सब रासायनिक पदार्थ है, बस उसको नाम दे दिया गया है कि विटामिन ए बी सी डी इस टाइप से, ठीक है। अब विटामिन भी मैं आपको टाइम बताया था कि एक बासा में घुल जाता है और दूसरा जल में घुल जाता है। तो बासा में घुलने वाला हो गया के ई डी एक, जो है बासा में घुल जाता है, बाकी जो है जल में घुल जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको विटामिन के बारे में बता दिया। अब विटामिन ए के क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको रेटिनोल है, ठीक है। अब विटामिन ए के बारे में बताते हैं, डेट भी दिया हुआ है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ सबका। देखिए विटामिन ए इसका रासायनिक नाम रेटिनोल है, ठीक है। मैं ये सबका खोजकर्ता नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे कन्फर्म याद नहीं है और मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा, और ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर मैं एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और विटामिन मेन हमारे आँख की रोशनी के लिए उपयोगी होता है, यानी कि विटामिन ए का काम रहता है आँख को दिखने के लिए, रोशनी के लिए नियंत्रण करना। ये सबसे ज़्यादा विटामिन ए जो है गाजर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बताते हैं, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी जो है इसका टाइप बहुत सारा है, विटामिन B1 B2 इस टाइप से होगा, ठीक है। मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन सा है। जैसे कि B1 को हम लोग थायमिन पढ़ते हैं, B1 को थायमिन पढ़ते हैं, और इस तरह से B2, B3, B12 जो ये सब विटामिन का ग्रुप है, ठीक है। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ, विटामिन सी, ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसका रासायनिक नाम विटामिन सी से आप जानते हैं। अच्छा तो सॉरी, विटामिन बी की कमी से आपको बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से आपको क्या बोलते हैं कि पायरिया बोलते हैं, जिसमें होठों से दांतों से खून आने लगता है। अब विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सिफेरोल है, ठीक है। विटामिन सी के बारे में बताया था कि सबसे पहले यही विटामिन का खोज किया गया था, और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरोल है। और विटामिन डी जो है आपको सूर्य की किरण की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी कि आपको सूर्य की किरण में चाहिएगा तो हमारा शरीर विटामिन डी बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि सूर्य से विटामिन डी मिलता है, सूर्य से विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि सूर्य की उपस्थिति में हमारा शरीर विटामिन डी का संश्लेषण होने लगता है, ठीक है। और विटामिन डी से हम लोग के पैर की हड्डिया मजबूत होता है, दांत भी मजबूत होता है, ठीक है। इसकी कमी से बहुत सारा बीमारी, एक खतरनाक बीमारी बोलते हैं रिकेट्स जो हो जाता है, पैर की हड्डी खोखला टाइप का हो जाता है, थोड़ी सी भी चोट लगने पर टूट जाता है। चलिए विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, ठीक है। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। अब मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ क्योंकि दोनों में एक को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, पर आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। एक कुछ विटामिन का खोज कब हुआ था, जैसे विटामिन B1 का खोज कब हुआ था, सब दिया हुआ है, पर आप वेबसाइट पर चेक कर लीजिएगा तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है। चले तो ये रहा। अब विटामिन ए जिससे भी रोग होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, विटामिन ए से आपकी रौतौंदी हो जाएगा, जिसमें रात या शाम के समय नहीं दिखाई पड़ता उतना। विटामिन B1 से बेरी बेरी हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन B2 से आपको क्या बोलते हैं कि त्वचा फट जाएगा, आँख का लाल हो जाएगा। विटामिन B3 से आपको बाल सफ़ेद हो जाएंगे,
चर्म रोग हो जाएगा, विटामिन B5 से प्ले गला एक रोग बीमारी होता है वो हो जाएगा, विटामिन B6 से एनीमिया हो जाएगा, चर्म रोग हो जाएगा। एनीमिया आप जानते हो कि शरीर में खून की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं, और खून की कमी बहुत सारे तरीक़े से हो सकता है, ठीक है। आयरन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, RBC की अणु जो बोलते उसकी मात्रा कम हो जाए। एनीमिया बीमारी जो है मतलब खून की कमी बहुत सारे तरीक़ों से होता है, बहुत सारी बीमारी में भी हो जाता है। तो विटामिन B6 की भी कमी से भी एनीमिया रोग हो जाएगा। विटामिन B7 से आपको लकवा बालों का गिरना ये सब हो सकता है। विटामिन B7 से लकवा जानते हैं जिसमें मोटर जो नर्व होता है सेंस नर्व वो काम करना बंद कर देता है, और शरीर क्या होता है कि मतलब कि एक तरह से काम करना बंद कर देता है। जिससे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐसे पढ़ना ही है आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि हमारा हाथ है, ठीक है, तो इसमें दो तरह के नर्व होंगे, एक होगा सेंस नर्व, एक होगा मोटर नर्व, ग्राही अफबाही नर्व बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो एक की क्लास 10th में ही है आपको तंत्रिका, जब क्या होता है नियंत्रण समन्वय पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तरह की एक होगा नर्व सेल, मतलब एक होगा सेंस नर्व, एक होगा मोटर नर्व। सेंस नर्व है को तो इन्फॉर्मेशन लेगा यहाँ से, जैसे मैं इसको मैं चींटी काट रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन लेगा सेंस नर्व और दिमाग पर जाएगा, और उधर से फिर मोटर नर्व के थ्रू, ये वाला मोटर नर्व जो है, ये वाला मोटर नर्व है, इसके थ्रू फिर इन्फॉर्मेशन आएगा, और चींटी जो काट रहा है उससे क्या है इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग और हाथ काम करेगा, ठीक है। तो वो लकवा में यही सब जो और सेंस नर्व मोटर नर्व भी काम करना बंद कर देता है, इसलिए व्यक्ति को हाथ प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा, उस पर चींटी काटिए चाकू भोंकिए कुछ भी उसको पता नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें सेंस नर्व और मोटर नर्व जो है वो मर चुका रहता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेके जाने वाला दिमाग तक और लेकर आने वाला और नर्व जो बोलते हैं वो मर चुका रहता है, इस कारण इसको बोलते हैं लकवा बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता, थोड़ा हल्का फुल्का था, फालतू बता दिए मैंने, कोई बात नहीं। विटामिन B12 से भी आपको एनीमिया हो जाएगा, और विटामिन B12 बताते हैं कि आपको छोटी आँत जो बोलते हैं आँत जब बनता है, विटामिन बी सी से एस्कर्वी पायरिया हो जाएगा, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाएगा, पहले भी बताया हूँ कि विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, हड्डी क्या होता है कि बहुत खोखला हो जाता है, आसानी से टूट सकता है। विटामिन ई से जनन शक्ति में कमी हो जाएगा, विटामिन थका नहीं बोलेगा, कुछ गेस्ट लोग आ गए हैं इसलिए वीडियो को स्टॉप करता हूँ, कुछ प्रॉब्लम होती है फिर भी मैं आपको बना के दे रहा हूँ, नेक्स्ट आगे मैं वीडियो में बताऊँगा, इसलिए धन्यवाद।